दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल माई एक्सपीरियम। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। तो आज मैं आपको रिव्यू करूंगा और लगाकर भी बताऊंगा जो कार का बम्पर गार्ड होता है, फ्रंट और बैक बम्पर गार्ड। मतलब हम उसको एक तरह से बम्पर गार्ड तो नहीं, बम्पर प्रोटेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि जो बम्पर गार्ड होते हैं, जो स्टील रॉड या समथिंग मेटल के जो आते हैं, वो इलीगल है लगाना और आपको लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जब इम्पैक्ट होता है कोई काफ़ी, भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत तेज गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को होगा। और इनफैक्ट अगर कोई सामने वाला कभी टकरा जाता है कोई, तो उसको भी उसकी काफ़ी चोट लगेगी। तो इससे आपका बहुत कुछ दिक्कत आ सकती है, केस भी बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, फैबटैक करके एक है ब्रांड, और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लगा सकते हैं घर पर ही। और ये इस तरह से इसकी पूरी ब्रांडिंग है, और ये कुछ फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे लॉन्ग लाइफ है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है, और इजी टू फिट है, और कुछ यूनिक डिज़ाइन इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें ये भी बॉक्स में मेंशन है मेड इन इंडिया, तो मैं श्योर नहीं हूँ ये मेड इन इंडिया है, क्योंकि काफ़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट भी आते थे, लेकिन अब मेंशन है तो हो सकता है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। मेड इन इंडिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो मैं अभी आगे बताऊँगा। और ये एक यूनिवर्सल है, डिज़ाइन टू फिट ऑल कार्स, मतलब इस, और इसकी जो MRP है 499 है, और मैंने जो अमेज़ॉन से इसको मंगाया है तो MRP 499 मेंशन है, और अमेज़ॉन से मुझे ये 232 का था, और विथ होम डिलीवरी है 272 के अराउंड पड़ा था। तो एक मैंने लोकल मार्केट में भी पहले कोशिश की पता करने की, लेकिन लोकल मार्केट में 600-700 तक ही मुझे, मैंने काफ़ी जगह रेट लिए तो उस हिसाब से दे रहे थे। और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ भी एक यूनिवर्सल लेंथ है, जो छोटी या बड़ी जिस तरह की भी गाड़ी है, सेडान है, SUV है, किसी भी गाड़ी में आ जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मॉडल का ये फिक्स नहीं है, ये मतलब यूनिवर्सल आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा इसमें क्रोम दिया हुआ है। ये पैटर्न आप पर डिपेंड करता है कि आप जो छोटा वाला जो क्रोम दिख रहा है आपको पैटर्न, वो आप ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, तो ये अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। और लेंथ इतनी इस हिसाब से है, और हम इसको एक बार मेजर भी करके मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बने रही कि कितने इंचेस का है ये। और इसमें जो क्रोम दिया हुआ है, काफ़ी बहुत अच्छा डिज़ाइन एनहेंस करेगा आपकी गाड़ी का भी, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करने के। और इसका इंचेस में, जैसा मैंने बोला था, तो अराउंड ये 17 इंच इसकी समझ लीजिए, इस तरह से ये लेंथ है 17 इंचेस। तो अब हम इसको देखते हैं, मटेरियल इसमें क्या है। मटेरियल बिल्कुल फ्लेक्सिबल रबर की तरह मटेरियल है, और ये बैक साइड जो रेड दिया हुआ है, ये एक 3M का टेप है, मतलब ये एक टेप है, सीधा हमें इसको हटा के सीधा पेस्ट कर देना है गाड़ी में, ये चिपक जाएगा। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके टेप की भी, जो स्टिक करने की जो कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है। तो ये इस तरह का मटेरियल है, फ्लेक्सिबल, आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा इसको जब अनबॉक्स आप करेंगे, अगर ऑर्डर करते हैं, कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते में ऑनलाइन आपको मिल रहा है। तो इसके पैटर्न आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, इसको गाड़ी में लगाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से कुछ मैंने एक पहले एक रफली प्लान कर लिया है कि मुझे क्या पैटर्न रखना है। तो मैं ये छोटा वाला क्रोम जो पट्टी है वो ऊपर के साइड रखूँगा। तो इस तरह से हम ये टेप को हटा देंगे, और हम इसको सबसे पहले जब पेस्ट हम करेंगे, उसके पहले हम एक कपड़ा लेंगे, कोई भी आप साफ कपड़ा लेके कॉलिन या किसी भी, उससे डस्ट अगर गाड़ी में है तो उसको पहले साफ़ कर लीजिए। डस्ट ना भी हो तो आप एक बार उसको साफ़ कर लीजिए, क्योंकि इससे जो इसका जो स्टिक होने वाला मटेरियल है टेप का, जब हम हटाएंगे तो प्रॉपरली स्टिक होगा, निकलेगा नहीं। तो गाड़ी की एजेस आप देख रहे होंगे, तो ये एजेस के नीचे आपको करना है। आप चिपकाने के पहले मैं एक आपको एडवाइस करूँगा कि आप पहले रफली इसको रख के देख लें, और राउंड करके भी आप देख लें,
तो इस तरह से कुछ मैंने इसको लगाया है। मैंने पहले उसको टेप निकालने के पहले उसको सेट करके देख लिया था, और गाड़ी के जो एजेस हैं जहाँ से वो एज खत्म होती है हेडलाइट की, वहाँ आप एक बार रफली एक करके देख लीजिए, क्योंकि आप फिर इसको लगा के निकालेंगे तो उसकी जो स्टिक करने की कैपेसिटी है वो ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो निकल जाएगा। तो ये लुक आप देख सकते हैं फ्रंट का और बैक का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। टेक केयर।